एंड डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, स्वागत। आज जो हमारा टॉपिक था, हमारी वन डे नेशनल वर्कशॉप है, दैट इज जो टॉपिक है हमारा सेफ्टी इन ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इसमें हमारे इनवाइटेड स्पीकर मिस्टर इसहाक अहमद सर, उन्होंने हमें कम्प्लीटली हमें बताया, हमें इन्फॉर्म किया कि किस तरह हमें अपनी जो ट्रांजेक्शन, तो मैं भी जस्ट सर ने बता दिया है कैसे रहना है, तो मैं जस्ट उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगा नेक्स्ट कि हमें सेफ कैसे रहना है। तो मेरा जो टॉपिक रहेगा आज का वो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एंड क्राइम्स। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो हम लोग करते हैं, यानी बैंकिंग के साथ ऑनलाइन हम जो भी पेमेंट्स करते हैं, है ना, चाहे हम परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो उसमें हम जो भी बैंकिंग की सर्विसेज यूज कर रहे हैं उसमें हमें कैसे सेफ रहना है। तो मैं शुरू करता हूँ, दैट इज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, तो उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से क्राइम एसोसिएटेड हैं इनके साथ और हम इनसे कैसे बच सकते हैं। हमारी जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं ये सब सेफ होती है। अब ट्रांजेक्शन्स, इनको हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स भी कहते हैं क्योंकि इनमें मनी इन्वॉल्व है, तो जो भी मनी का जो भी मनी टर्म्स हैं उनको हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में कहते हैं। अब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेस जो भी है हमारा, ठीक है, ये सिक्योर पासवर्ड्स से प्रोटेक्टेड है हमारा। अच्छा, इसमें ना बहुत सारी स्टेजेस होती है, लाइक जब भी हम शॉपिंग करते हैं तो इसमें हमारे पास थ्री स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, हम कोई भी अगर ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाएं तो सबसे पहले हमें रजिस्टर करना पड़ता है, रजिस्टर यूजिंग मोबाइल नंबर या फिर हमारी ईमेल आईडी। जब हम रजिस्टर करते हैं उसके बाद हम ब्राउज करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए और हम उसके लिए एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, और जब ऑर्डर प्लेस करने के बाद हम पेमेंट मोड को हम पेमेंट करते हैं उस प्रोडक्ट के लिए। नॉर्मली जो भी हमारे पास पेमेंट मोड्स हैं वो हमारे पास या तो कैश ऑन डिलीवरी होता है या फिर हमारे पास हम ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। जो हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी है वो तो सेफ है क्योंकि हम कैश जो है वो जब हम प्रोडक्ट रिसीव करते हैं तो हम मैनुअली देते हैं, ठीक है। लेकिन जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो प्रोडक्ट परचेज करने के टाइम पे जब हम पेमेंट ऑनलाइन करते हैं तो वहां पे हमें किस तरह पेमेंट करनी है, फ्रॉड्स हैं जिनसे हमारा जो डेटा है वो लूज हो जाता है, मतलब हैकर्स क्रिमिनल्स वो हमारा डेटा जो है वो स्टील कर देते हैं। अब ऑल दो बहुत सारी ट्रांजेक्शन सिक्योर होती हैं, बट फिर भी हमें अपनी सेफ्टी के लिए बहुत सारे जो प्रिकॉशंस हैं वो लेने हैं। अब हमें सेफ कैसे होना है, जैसे कि हमने अभी देखा भी है जस्ट पहले कि हमें पासवर्ड्स जो है वो किस तरह किसी भी अकाउंट के लिए पासवर्ड कैसे सेट करना है। उसके बाद हमें जो हम ई कॉमर्स वेबसाइट्स, हम अमेजोन फ्लिपकार्ट है ना, ये सब चीजें, ये सब वेबसाइट्स हम जो एक्सेस कर रहे हैं, हमें ये देखना है कि ये सिक्योर भी है या नहीं है। कहाँ पे शॉपिंग करनी है, कौन सी वेबसाइट को एक्सेस करना है, ये भी हमें केयरफुल रहना है। उसके बाद हमारे फाइल बार्स, हमारे एंटीवायरस जो हमारे फोन में या फिर लैपटॉप्स में है वो हमें किस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे लिए। उसके बाद हमारे जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है हम उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन से भी हम अपनी जो आइडेंटिटी है उसको हम सेव कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने बैंकिंग कार्ड पर लिमिट सेट कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जब हम अपने बैंकिंग कार्ड में पता होगी कि हमने कितनी लिमिट सेट की है, वो ट्रांजेक्शन लिमिट हमें पता होगी। हमने सपोज अगर हमने 5000 लिमिट सेट की है किसी ट्रांजेक्शन के लिए, लेकिन अगर कोई हमारा अकाउंट यूज कर रहा है अगर उसको नहीं पता कि हमारी लिमिट सेट कितनी है, तो वो सपोज 10,000 अगर सेट करेगा कि हमें 10,000 निकालना है किसी अकाउंट से, तो वो 10,000 नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो अमाउंट नहीं निकाल पाएगा क्योंकि ट्रांजेक्शन का जो लिमिट है वो हमने 5,000 ही सेट की है। तो ये सब हमारे पास वेज हैं जिनसे हम अपनी इंफॉर्मेशन अपने जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। ओके।